बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। है आपकी फिल्म का मुहूर्त भी है, अबूबा तुमहारे इंतजार। फिल्म के बारे में बताएंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय पांडे जी, डायरेक्टर शुभम सिंह और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना स्पेशल टाइम निकाल कर आएँ और मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाएं। और दो दो खुशी आज मेरे लिए, आज मेरा बर्थडे भी है और आज मेरी फिल्म की मुहूर्त भी है, अबहुबा तुम्हारे इंतज़ार, जो व्युमा प्रोडक्शन प्रेजेंट करे इस फिल्म को। और प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे विजय पांडे सर और इसके डायरेक्टर हैं शुभम सिंह सर जी। तो अबहुबा तुम्हारे इंतज़ार के मतलब बुझे लो। हाँ, अभी भी है, अभी भी है आपका इंतज़ार। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी के बारे में पूछा तो बताइए कुछ। ये कहानी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है और इसमें मैं फर्स्ट टाइम में डबल रोल प्ले कर रही हूँ, एक मॉडर्न गर्ल का और एक पुराने ज़माने का। सो बहुत मज़ा आएगा ये प्ले करने में मुझे, एंड ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ होने वाली है? इस फिल्म की शूटिंग आई थिंक यूपी में होने वाली है और बनारस वहाँ पे होने वाली है। स्टार कास्ट कौन कौन है? स्टार कास्ट अभी सर फाइनल हुए हैं। जब स्टार सामने है महाराज पूछ रहे हैं स्टार कास्ट कौन है, ये खुद ही स्टार है और एक वो स्टार आपके सामने खड़ा है। अब क्या स्टार और सर है इंतजार। अब उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है आप लोगों को। ना 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 ना, हम बताओ नहीं इंतजार जैसन कि लड़की के होला लड़कन के इंतजार, हमने जैसा लड़कन के होला लड़की के इंतजार। तब अभी ये सब पूछ ले लोग तो फिर बाद में क्या होगी, ये बताइए। ये बर्थडे सरप्राइज था कि आपको पता था कि मेरा बर्थडे है? हाँ, नहीं, सरप्राइज था। यस, सरप्राइज था। ये है कि मेरी फिल्म की मुहूर्त थी लेकिन तो ये नहीं बताया कि आपके काम में किस बर्थडे था। नहीं, मुझे पता था फिल्म की मुहूर्त है और बर्थडे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा सरप्राइज देख के। और सारे लोगों को अपने बारे में बताइए कि पहले कौन सी फिल्में कर चुकी हैं, किस तरीके से भोजपुरी में आना हुआ। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने सबको पता होगा ससुरा बड़ा पैसा वाला के बारे में। ससुरा बड़ा पैसा वाला वो फिल्म बहुत हिट रही थी, तो उसका पार्ट टू मैंने किया है, ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट टू, जो अभी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है जी। जी, आप बताइए बर्थडे आज इतनी भाई ऐसा बात कि हमारा तो मालूम ना रहे कि केहू के बर्थडे बा का कि ना हम कुछ फूल लेके अली ना कोई गिफ्ट लेके अली। अरे आप सर आ गए, और लेकिन बतावे के चाहत रहे ना कि कोई के बर्थडे बा जा और हेलो केहू के पास फूल उन बात का दो यार पहले बर्थडे पे। हाँ, तो हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा प्रकाश जी। थैंक यू। हाँ, अब लग रहा है कि मैं बर्थडे में आया हूँ। तो बर्थडे में आज मानी सबसे बड़ी बात बाकी अब हूँ बात हाल इंतजार के हमने के आज मुहूर्त रहे तो बुलावल गई रहे, लेकिन ये जानकारी ना रहे कि नेहा जी का आज जन्मदिन है। तो इनका तो डबल बोनांजा मिलने बा, हमनी के भी डबल बोनांजा हो गई कि केहू आर्टिस्ट के अगर बर्थडे के दिन अगर केहू के सरप्राइज पैकेज में कोई फिल्म मिल जाला तो वो बहुत बढ़िया होला। और हमारे हिसाब से यही खुशी के हमारे इनकर खुशी इनकर चेहरा पर लौकत था और भगवान करे कि बहुत आगे जास। क्या कि इनका शुरुआते ज़िंदगी के भैल ससुरा बड़ा पैसा वाला टू, ससुरा बड़ा पैसा वाला अपने आप में बहुत बड़ फिल्म रहे और हम यही कहन कि भगवान करे बहुत आगे बरस और खूब तरक्की करस और गोरखपुर के नाम करस और खूब आगे जाओ। आप कहा कहीं हमारा तो जितना आगे बढ़े के रहे बढ़ गए, हमू बढ़ गए, मनी मन पेटू बढ़ गए। जी धन्यवाद। हाय जी, नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अच्छी हूँ धर्म जी, आप कैसे हो? फिर से अगेन एक बार आपके कैमरे में मैं कैप्चर हो गई। और ये बताओ कि आप किस तरीके से और कैसे फिल्म को देख रही हैं? आज मुहूर्त में तो आई हूँ मैं, बट आज नेहा जी का बर्थडे है। सो नेहा जी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू, एंड आपकी फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पांडे जी को, विजय पांडे जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो फिल्म कर रहे हैं। सो बेस्ट विशेष। तो ये भी है कि इस फिल्म का आपका हिस्सा है? नो, मैं नहीं, मैं बस नेहा जी की अच्छी फ्रेंड हूँ। सो मैंने बधाई देने आई हूँ। अगर कुछ याद ताज़ा करना चाहें नेहा के साथ कैसे मुलाकात हुई? हाँ, नेहा जी के साथ हाँ बताना चाहेंगी? नहीं, ऑफ कोर्स बताना चाहेंगे, व्हाई नॉट। एक्चुअली हम एक फिल्म में मिले थे, सो वहाँ से ही हमारी अच्छी मुलाकात हुई थी। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो देखने वाले सारे ऑडियंस को नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी प्यारी ज़ोया खान। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज नेहा जी का बर्थडे है और देन इनके फिल्म का मुहूर्त भी है, अबहुबा तुम्हारे इंतजार, जो ह्यूमा प्रोडक्शन से हो रही है। और इसके प्रोड्यूसर है विजय पांडे जी, बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे इंसान है। और इसके डायरेक्टर हैं शुभम सिंह जी, और यारों आप लोग जानते हैं संजय भूषण पटियाला जी, जो यहाँ पे लिखा है। सो विश यू मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। आप ढेरों सारी तरक्की करो, ढेरों सारे आगे बढ़ो। मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ, अभी तो चल रहा है, फिल्में चली रही है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी फिल्में, 4-5 मूवी मैंने की जिसकी डबिंग एडिटिंग चल रही है। और अभी फिर से कल से मैं जा रही हूँ करने बेबसी, जिसका टाइटल है, वो बनारस में शूट होगा। तो कल निकल रही फिर से अपनी यात्रा पे। अभी मैं इसके बाद करने जा रही हूँ सरकारी दूल्हा, और 1-2 और प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अबहुबा तुम्हारे इंतज़ार, अबहुबा तुम्हारे इंतज़ार यहाँ सॉरी। तो इसके बाद ये करने जा रही हूँ। और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए कि मैं इसी तरह हम लोग काम, इवन मैं नहीं, हम सब आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें इसी तरह। जी, मैं अपील करना चाहूँगी कि आप लोग इतना सारा इनको प्यार दो कि अपने बर्थडे के दिन जिस फिल्म का इन्होंने मुहूर्त किया है वो बने भी, और एडिटिंग भी हो, डबिंग भी हो, रिलीज़ भी हो, और आप लोग के सामने सिनेमा घरों में भी दिखे कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे सकें, और सक्सेस भी हो। अरे ऑडियंस देखेगी तभी तो सक्सेस होगा ना, सिनेमा घरों में लगेगी तभी तो होगा ना, डबिंग होगी, एडिटिंग होगी, तभी हमारे ऑडियंस को भी मौका मिलेगा कि आपको प्यार आशीर्वाद दे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, ऐसा है कि इसलिए आपने देख रहे हैं कि अबहुबा तुम्हारे इंतज़ार इस फिल्म का नाम है। और नेहा जी ने अभी जो हमारा तीसरा दौर चला ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 2, उसी नाम पे ससुरा बड़ा पैसा पार्ट 2 बना। उसमें नेहा जी ने लीड किया, एक अच्छी भूमिका उन्होंने दिखाया। तो मैं और मेरी टीम ने फिर प्लान किया कि हम लोग ने एक पिक्चर को बनाते हैं। उसमें ऐसा है कि ये थोड़ा सा पुनर्जन्म है, उसके अंदर इनका 2 रोल है, थोड़ा हॉरर जैसे चीज़ें हैं। और हमने ये सोचा कि करते हैं तो एक अच्छा मौका मिला उसी दिन कि एक कुछ गिफ्ट तो था ही सबके लिए कि हम लोग एक फिल्म, और मैं आपको बता दूं कि मैं पहली फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। मैं तो मेरे लिए भी ये पहली चीज़ है, और फिर नेहा जी के लिए मेरे सामने पहली बार जुड़ी हैं वो। तो कुछ बातें हुई, तो हमने कहा, जैसे मुझे पता चला कि नेहा जी का बर्थडे भी 3 तारीख को है, तो मैंने कहा बर्थडे और मुहूर्त एक साथ कर लिया जाए, डबल खर्चा उनका चाहिए, इतने काम कर लिया जाए। विजय जी, क्या विषय क्या है इसके? बता रहे थे कि औरत के विषय को लेकर है, क्या है? मैंने भी आपको बताया कि पुनर्जन्म है, इसके अंदर नेहा जी का 2 रोल है, और थोड़ा हॉरर किस्म की पिक्चर है ये। और इसमें आपको ये दिखाऊँ कि ये फिल्म पारिवारिक है, आप आने वाले समय में इस फिल्म जब ये रिलीज होगी आप देखेंगे कि आप अपने फैमिली के साथ में बैठ के इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। और भी हैं, मैं आपको कुछ थोड़े से चीज़ बाकी हैं जैसे हो जाएंगे मैं वो भी पब्लिक में एक बार मैं पब्लिश कर दूँगा। शुभम जी आप बताइए डायरेक्टर फिल्म के और इतने क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ मिल रहा है? तो हमेशा एक डायरेक्टर को जब भी डेब्यू का मौका मिलता है और इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, डेब्यू मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। आई कॉल दिस द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट बिकॉज आई हैव टू गिव माई बेस्ट। वी आर कॉल्ड एज द कैप्टन ऑफ अ शिप, आई एम द कैप्टन ऑफ दिस मूवी। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके। मैं तो इसमें अपना बेस्ट दूँगा। टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं मैं बखूबी से निभाऊँगा। तो हम दोनों लोग तो डेब्यू कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर, बट मैंने इनके साथ साथ बहुत काम कर चुका हूँ। मैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड शो था उसको डायरेक्ट किया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उनके भले हम लोग डेब्यू करें लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, तो हमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मूवी में। हम अपना दोनों लोग जितना बनाएंगे। मैं लोक गायक सोनू सिंह सुरीला, और पहले तो मैं नेहा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक इस फिल्म का सवाल है, इस फिल्म में मैं इनके पिता का कैरेक्टर कर रहा हूं। और जब कहानी हमने सुना तो भावना हमारी बड़ी चरम तक चली गई कि एक पिता और पुत्री का जो एक दायित्व का संबंध होता है वो संबंध इसमें दिखेगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो श्रोता समाज जो आज के फिल्मों से अपने आप को मरहूम समझ रहे हैं, वो दूर समझ रहे हैं अपने आप को, उनको वो बातें नहीं मिल पा रही जो एक परिवार में जो रोज़ाना की ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। ऐसे परिवेश में ऐसी फिल्म का आना, ये हमारे जो श्रोता सिनेमा से दूर हो चुके हैं उन श्रोताओं के लिए ये फिल्म बड़ी व्यापक होगी। और इसमें एक्साइटमेंट के लिए थ्रिलर है, हॉरर कहानी है, इनके पुनर्जन्म की भी कहानी, तो श्रोता वर्ग जो है वो पूरी तरह से बंधा होगा। वो बिगिनिंग टू एंड वो हिलने के पोजीशन में नहीं होगा। और इसमें परिवार क्या जो एक जिम्मेदारियां होती हैं, पिता पुत्री का जो संबंध होता है, उसमें कितनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, वो तमाम सारी चीज़ें आपको एक मिनट भाई धर्म जी आवाज़ मैच नंबर। देसी भारत के माध्यम से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और ये मेरी दी है जिनका आज बर्थडे है एंड फिल्म की मुहूर्त है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत खुशी की बात है। मुझे तो रोना आ रहा है। नो नो डोंट क्राई, हैप्पी बर्थडे मेरा दीदू, थैंक यू। मैं हाँ सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ सबको और दीदी को बधाई देने आई है। आज मेरे दीदी का मूवी का मुहूर्त है और आज उनका बर्थडे भी है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और ठीक है, विशेष मिल गई मुझे एंड थैंक यू, बिग बिग थैंक यू आप सभी का। और सबसे बड़ा थैंक यू देसी भारत का, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे हैं और ये सब पॉसिबल है। ये हमारे गुरु जी हैं जो हमें डांस सिखाते हैं। हाँ मुझे बहुत डांटना है मुझे। आप नहीं कर पाएंगे तो फिर डांटना पड़ेगा, चीज़ें होती है समझाना बहुत मुश्किल हो पाता है। मेरा नाम राजू है और मैं क्लासिकल डांसर हूँ, एंडर पंडित बिरजू महाराज जी का स्टूडेंट हूँ। और ये मुझे लॉकडाउन से पहले मिली थी, 1 महीने पहले। गुरुजी सीखना है तो ठीक है, सिखा देंगे, जैसा चाहोगे वैसा सिखा देंगे। धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ा, 1 साल का ब्रेक हुआ, आप बंदी नहीं सीखेंगे, आप ये नहीं सीखेंगे, आप छोड़ दो। लेकिन सडनली जब डेडिकेशन आया जनवरी के बाद, दिसंबर लास्ट वीक कॉल आया कि सर सीखना है, तो इंसान में पेशेंस अगर होता है तो वो आगे बढ़ पाता है। चाहे वो एक डायरेक्टर हो, स्पेशली राइटरों को बहुत पेशेंस ही होता है, तो पेशेंस बहुत है, अच्छे से हर चीज़ करती है लेकिन बहुत जल्दी उसको कवर नहीं कर पाती है। बट करेंगे हाँ बर्थडे, ये तो हमें पता चल ही गया था लेकिन सरप्राइज ये नहीं पता चला था। और ये आप लोगों ने सरप्राइज दिया, मेरे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी का सबसे बड़ा मुझे सरप्राइज मिला कि मूवी का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट यहाँ आने के बाद पता चला मूवी भी है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि मूवी के साथ साथ बर्थडे और साथ में सारी चीज़ें जो आज मिल रहा है वो सरप्राइज की बातें हैं सारी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.